इज अ गुड कैंडिडेट फॉर वजाइनल टाइटनिंग सर्जरी? वजाइनल टाइटनिंग सर्जरी के लिए आइडियल कैंडिडेट कौन सी फीमेल होती है? तो मेरा नाम है डॉक्टर अर्चा, मैं एमसीएच प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन हूँ, डायरेक्टर ऑफ रिजुवा एस्थेटिका कॉस्मेटिक क्लिनिक इन अहमदाबाद। जो फीमेल पोस्ट प्रेगनेंसी नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी के बाद जिसको लगता है कि उसका मसल भी डायलेट हो चुका है, म्यूकोसा ज्यादा बढ़ चुका है, फिंगर जो है वो 3 या 4 फिंगर जाता है, बाहर का जो स्किन टिश्यू है वो बढ़ चुका है, तो दे आर द कैंडिडेट फॉर वजाइनल टाइटनिंग सर्जरी। ये सर्जरी बहुत सिंपल सर्जरी है, 1 से 1.5 घंटे की सर्जरी है, जिसके अंदर बिल्कुल भी पेन नहीं होता है, हम लोग पेशेंट को कम्प्लीटली कंफर्टेबल होता है। हमारे वहाँ फीमेल एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर ही होते हैं जो यहाँ पे असिस्ट करते हैं, असिस्टेंट में भी फीमेल डॉक्टर होते हैं, तो वी ट्राई टू गिव मैक्सिमम कम्फर्ट टू द पेशेंट। यहाँ पे जो आप देखोगे तो बेसिकली ये जो टाइटनिंग सर्जरी है तो इसमें पेशेंट को स्किन बढ़ चुका था बाहर का, अंदर का मसल जो था वो लूज हो चुका था, अगर उनको सर्जरी नहीं करते खाली लेजर ट्रीटमेंट करते तो रिजल्ट नहीं आता। तो फीमेल जो 30-40 के अबव है जिसको अंदर से मसल लूज हो चुका है, दे आर द आइडियल कैंडिडेट फॉर वजाइनल टाइटनिंग सर्जरी।